बेटा आप लोगों ने अभी जितना कुछ भी पढ़ा क्लास सेवेंथ में ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर में, तो उसको छोड़ते हैं और एक नया स्टार्ट लेते हैं, नए तरह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर की फील्ड में। बेटा हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम पहुंचे, हमने सिस्टम ऑन किया, कंप्यूटर चलाना स्टार्ट किया। अब कंप्यूटर क्या है ओवरऑल, भाई हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है ना, अलग अलग हार्डवेयर से मिलके एक कंप्यूटर बना हुआ है। अब वहाँ पर हमको क्या करना है, मेमोरी भी एक्सेस करनी है, प्रोसेसर भी एक्सेस करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी एक्सेस करने हैं, सब कुछ, हर एक चीज़ को हमें एक साथ एक्सेस करना है, ठीक। तो अब उन सारे पार्ट्स को एक साथ एक्सेस करने के लिए क्या किया जाए, हम तो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्शन करते नहीं हैं कि हम क्या, हमने मेमोरी पे जाके क्लिक कर दिया कि ये सॉन्ग प्ले हो जाए और सॉन्ग प्ले हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो उस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमें एक मीडिएटर चाहिए जो क्या कर सके, हमारी क्वेरीज को यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करे और उनके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज ज़रूरी हैं उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। तो इस मीडिएटर को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम उन कंप्यूटर हार्डवेयर्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकें, उन्हें यूटिलाइज कर सकें। ओके, देखते हैं हम इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या है, एक इंटरफेस है किसके, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स। क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर की बेसिक टास्क को मैनेज करता है। जैसे क्या क्या हो गई, वो बेसिक टास्क क्या क्या हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट कि कोई भी हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, सपोज़ हम एक गाना प्ले कर रहे हैं, एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वो सॉन्ग कहाँ, ये हमें पहले देखना होगा, वो सॉन्ग अवेलेबल कहाँ है, हमारी मेमोरी में कहाँ पर अवेलेबल है। हम तो क्या करते हैं, हम गए, हमने माई कंप्यूटर पे पहुँचे, म्यूज़िक पे पहुँचे, म्यूज़िक पे पहुँचने के बाद में उस पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले कर दिया, ठीक है। पर इस प्रोसेस में बैकेंड पर क्या हुआ, प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी पे जाकर चेक किया कि वो सॉन्ग अवेलेबल है जो हम प्ले करने जा रहे हैं। उस सॉन्ग को प्ले करने के लिए वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। भाई सॉन्ग आप प्ले करोगे तो सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग प्ले होने के लिए एक म्यूजिक प्लेयर मांगता है ना, अब विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, VLC प्लेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे मीडिया प्लेयर अवेलेबल हैं। तो जब भी आप सॉन्ग प्ले करोगे तो सॉन्ग प्ले करने के लिए क्या मांगेगा, वो चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर ये सॉन्ग प्ले होगा, और उसके बाद में क्या करेगा, सॉन्ग को प्ले करेगा। तो पहली टास्क क्या हो गई जो देखता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरी हो गई प्रोसेस मैनेजमेंट। हम जितने भी काम कंप्यूटर पे करते हैं, एज यू नो कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्किंग मशीन जो एक बार में कई सारी टास्क को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर हम सिस्टम में हम अपने कंप्यूटर को जो कुछ भी इंस्ट्रक्ट करते हैं करने को, वो क्या कहलाता है, वो एक प्रोसेस कहलाता है। अब प्रोसेस क्योंकि कंप्यूटर क्या एक मल्टीटास्किंग मशीन है, तो एक साथ कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। एक जॉब क्यू में जॉब क्यू एक क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर क्या होगा, कई सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब वो प्रोसेस किस टाइम पे, किस बिहाफ पर, किस तरह से एग्जीक्यूट होने, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला हैंडलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब इनपुट आउटपुट को भी मैनेज हैंडल करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी हैंडल करता है। इनपुट आउटपुट को किस तरह से, हमने इनपुट दिया, आपको पता होगा IPO प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, IPO प्रोसेस क्या कहलाता है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है।
हम क्या करते हैं, हम इनपुट पास करते हैं। हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया अपने कंप्यूटर को, एक इनपुट पास किया। अब वो इनपुट क्या होगा, उस इनपुट को कंप्यूटर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेसर के पास पहुंचेगा। प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हमें एज अ आउटपुट शो करेगा। तो ये क्या कहलाता है, आईपीओ प्रोसेस, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो इस इनपुट आउटपुट प्रोसेस को भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी, आप क्या इनपुट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, किसके थ्रू आप इनपुट पास कर रहे हो। इनपुट डिवाइसेस तो कई सारे होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, बारकोड रीडर हो गया, इस तरह से कई सारे इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो उन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो आप किस डिवाइस के थ्रू इनपुट पास कर रहे हो और किस डिवाइस पे आप आउटपुट चाहते हो। आउटपुट भी हम मॉनिटर पे ले लेते हैं, प्रिंटर पे ले सकते हैं या स्पीकर पे, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है हमने इनपुट किस तरह का पास किया। अगर हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो हमको कहाँ पे मिलेगा आउटपुट, स्पीकर पे ऑफकोर्स मिलेगा। हमने वीडियो प्ले किया है तो सेम आउटपुट हमको कहाँ पर मिलेगा, स्पीकर पे मिलेगा और ऑफकोर्स हमारे मॉनिटर पे मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह हमने क्या किया, हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम चाहते हैं हार्ड कॉपी पे, एक पेपर पर। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट कहाँ मिलेगा बेटा, हमको एक पेज पे मिलेगा ना। हमको आउटपुट किसके थ्रू मिला, प्रिंटर के थ्रू मिला। के नेक्स्ट देख लेते हैं, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं, आइए पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं इस चीज को। टू लोड द प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स हम रन करा रहे हैं उस टाइम पे, उन प्रोग्राम्स को लोड करना। बेटा प्रोग्राम्स क्या हुए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। चलो इमेजिन कर लेते हैं कि हम एनिमेशन बना रहे हैं एक स्क्रैच के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कोई एनिमेशन बना रहे हैं। तो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हमने कोई एनिमेशन बनाया, उस एनिमेशन को सेव कराया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कराया। तो क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम हमने बनाए, इनको हमने रन कराया, रन कराने के बाद में हमारे पास में आउटपुट आया। तो ये क्या थे, ये प्रोग्राम्स थे ना, तो इन प्रोग्राम को लोड करना मतलब प्रोसेसर के पास ले जाना। ये काम किसका हुआ, ये जॉब किसकी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की थी। तो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को लोड करता है। अगला, टू स्टार्ट ऑपरेशन ऑटोमेटिकली, ऑपरेशंस को, कंप्यूटर ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना। जो भी ऑपरेशन किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है, उन ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना। अगला, टू कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट। मैं ये पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इनपुट और आउटपुट, यानी कि हमारा जो आईपीओ प्रोसेस होता है उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अगला, टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम्स हमने रन कराए हैं या जो भी प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, प्रोग्राम्स का मतलब क्या हो गया बेटा, हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को, ठीक है, हम हो सकता है हम किसी चीज़ पे कोड कर रहे हो, HTML पे, जावा पे किसी चीज़ पे कोड कर रहे हो, या सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, या एक्सेल वगैरह MS Excel का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, उसका रिजल्ट लेके हमारे पास में आना। नेक्स्ट, टू मैनेज मेन मेमोरी को मैनेज करना। बहुत सारे लोग होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आखिर मेन मेमोरी क्या होती है, सब पता कैसे लेते हैं, मेन मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, क्या ऐसा होता है। मेन मेमोरी हमेशा हमारी कहलाती है रैम। क्यों वो मेन मेमोरी होती है, आप जितने भी काम कर रहे हो करेंट टाइम पे, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स आपके करेंटली रन कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स पे, वो कहाँ स्पेस ले रहे हैं, आपकी हार्ड डिस्क पे स्पेस नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनको हम चलाते हैं, चलाया फिर बंद कर दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, वो हमारी हार्ड डिस्क पे नहीं सेव, हमने उन्हें परमानेंटली नहीं सेव कराया था, बस कुछ टाइम के लिए हमने उन्हें चलाया और बंद कर दिया। तो ये कहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बेटा, ये हमेशा रैम पे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो करंट टाइम पे जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं रैम पे, इसलिए रैम हमारी क्या कहलाती है, मेन मेमोरी कहलाती है। प्रोसेसर के पास में आप क्या, वो मैंने बताया था ना, एक गाना प्ले करने का हमने एग्जाम्पल लिया था,
अब करेंटली आप जो सॉन्ग प्ले कर रहे हो, तो उस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपने जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो प्लेटफॉर्म ओपन होगा, वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा, पर वो स्पेस कहाँ पर लेगा? ओपन होने पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, वो स्पेस ऑफकोर्स कहाँ पर लेगा? रैम पर लेगा करके, ठीक है। तो इस तरह से मेन मेमोरी को मैनेज करना कि मेन मेमोरी एक टाइम पे किस किस को स्पेस दे रही है और किस तरह से स्पेस को मैनेज कर सकती है बाकी के प्रोग्राम्स के लिए। अगला देख लेते हैं, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द प्रोग्राम्स, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टास्क होती है कि करेंटली जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, रनिंग में है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि कहीं से वो प्रोग्राम क्रैश ना करे, वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे, कोई ऐसा प्रोग्राम जॉब क्यू में ना पहुंच जाए। जॉब क्यू ध्यान है ना, मैंने अभी बताई थी, एक जॉब क्यू में क्या कई सारे प्रोसेस आ जाना, कोई ऐसा प्रोग्राम जॉब क्यू में ना आ जाना जो क्या कर दे, जो प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेसर को ओवरलोड कर दे, जिससे हमारा सिस्टम क्या हैंग कर जाए, हैंग की पोजीशन में पहुंच जाए, डेडलॉक की पोजीशन में पहुंच जाए। डेडलॉक एक वो पोजीशन होती है जहां पर क्या होता है, कंप्यूटर सारे टास्क को करना बंद कर देता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक वो सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां पर डेडलॉक की कंडीशन ना आए। अगला देख लेते हैं, टू इंटरेक्ट विद यूजर, मैंने सबसे पहली चीज यही भी डिस्कस की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंट्रैक्शन प्रोवाइड करना, ताकि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को दे सके और कंप्यूटर क्या करे, कंप्यूटर उनको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कंपाइल करके हमें हमारे एग्जीक्यूशन को वो रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सके जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम रन करेगा। आगे देख लेते हैं, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। आप जो भी सॉफ्टवेयर रन करा रहे हो, जरूरी थोड़ी ना हर सॉफ्टवेयर वही हार्डवेयर का यूज, उसी हार्डवेयर का यूज करे, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जिनकी नीड होगी, हो सकता है उन्हें प्रिंटर का यूज करना हो, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी नीड अलग होती है। तो हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी अलग अलग नीड होती है, किसकी, हार्डवेयर की, हार्डवेयर रिसोर्सेज की। तो किस सॉफ्टवेयर को किस हार्डवेयर की जरूरत है, क्या उसके लिए जरूरी होगा, तो ये सारी चीज़ें अरेंज कराना, ये चीज़ें अवेलेबल कराना, ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने पढ़ा था नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत किस चीज़ के लिए होते हैं। अब क्या क्या फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, ये जान लेते हैं। सबसे पहली चीज मेमोरी मैनेजमेंट, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, मैंने आपको डिस्कस भी किया है मेमोरी को किस तरह से मैनेज करना है। नेक्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस